सो हेलो एवरीवन, तुम सभी ने ये प्रूव कर दिया कि तुम वांगा मूवीज लवर हो। ऑडियंस को एनिमल कितना पसंद आ रही है ये नंबर बता रहे हैं। अब भाई आगे की मूवीज के लिए रेडी रहो, क्योंकि जो अब आने वाला है वो इससे तो एक लेवल ऊपर ही होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एनिमल अब एक फ्रेंचाइज बनने वाली है, सेम लाइक जॉन विक। वेल, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आई थिंक सो अभी तक ये मूवी सभी ने देख ली होगी। एंड मुझे पता है बहुत सारे बंदे स्पेशली अपने पापा को लेकर गए होंगे एनिमल देखने के लिए। एंड गाइस, इमेजिन करो क्या ही एक्सपीरियंस रहा होगा उनका। एनिमल पार्क, अब लोग एक्साइटेड हैं एनिमल पार्क के लिए। और एनिमल पार्क में कितनी ब्रूटैलिटी होने वाली है ये हमने इसके पोस्ट क्रेडिट में देख ही लिया। भाई बंदा प्रोफेशनल बुचर है और रेडी है रिवेंज लेने के लिए। एंड कसम से इसे देखकर लग रहा है ये बंदा किसी को नहीं छोड़ेगा। वेल, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अजीज ने रणविजय के भाइयों को यहाँ पर कैसे पकड़ा। लाइक रणविजय अब्रार को मारकर यहाँ से निकल गया था ना अपने भाइयों को लेकर, तो फिर ये यहाँ कैसे आए। एंड इसी के साथ साथ जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में ओल्ड एज रणबीर कपूर दिखाया गया था वो कौन था, अब्रार का भाई अजीज जिसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है या फिर अपना रणविजय। वेल, आज की इस वीडियो में हम इन सब को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। देखो, रणविजय का ये एनिमल अवतार सिर्फ अपने पापा के लिए ही था। जो कुछ भी यहाँ उसने किया वो बलबीर के लिए था। यहाँ तक कि ये बंदा मौत के अपने बहुत करीब आ गया था। एंड जैसा कि हमने मूवी के एंड में देखा, रणविजय के फादर यानी बलबीर को ल्यूकेमिया हुआ है। एंड ये हमें बताया भी गया है उनके पास 6 महीने का टाइम है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि बलबीर का कैरेक्टर हमें एनिमल पार्क में देखने को शायद नहीं मिलेगा। इसका मतलब नो पापा नो एनिमल। अब रणविजय नॉर्मल लाइफ जिएगा और अपने स्वास्तिक स्टील कंपनी को रन करेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक बात तो भूल ही रहे हैं कि द प्रोफेशनल बुचर, बाप ऑफ बुचर, रेडी हो रहा है रिवेंज के लिए। एंड ये रिवेंज है अपनी फैमिली को खोने का, क्योंकि रणविजय ने इसके दोनों भाई असरार हकी और अब्रार हकी को मार दिया था। मार दिया है। अब अगर फैमिली की बात हो ही रही है तो इनकी फैमिली ये 4 भाई तक सीमित ही नहीं है, क्योंकि इन चारों भाइयों के जो फादर थे आजिम, उन्होंने कई सारी शादियां की थी। तो मे भी यहाँ पर हो सकता है इनके और भी भाई निकले। एंड यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि इन भाइयों के भी बच्चे हैं। एंड शायद इसीलिए एनिमल 2 को एनिमल पार्क बोला गया है। अब देखो, वैसे तो ये प्लान अब्रार का था अपने छोटे भाई को तैयार करके बलबीर के यहाँ भेजना, ताकि वो बलबीर को खत्म करके स्वास्तिक को टेक ओवर कर ले। बट इस प्लान के बारे में जोया ने रणविजय को उसकी ग्रेविटी से इम्प्रेस होकर सब कुछ बता दिया। अब ये मत पूछना कि ग्रेविटी क्या है। बट यहाँ पर रणविजय भी क्लेवर निकला। उसने जोया को जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि ये उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा था। अब ये प्लान का हिस्सा कैसे था वो अभी समझाता हूँ। देखो, जोया ने रणविजय को अब्रार के साथ साथ ये भी बताया था कि अब्रार का कोई छोटा भाई है जिसने सर्जरी कराई है, जो कि अब तुम्हारे जैसा दिखता है। अब यहाँ पर सुनो कि जोया ने बताया क्या, कि अब्रार स्कॉटलैंड में रहता है और अजीज जो कि एक प्रोफेशनल बुचर है वो इस्तांबुल में। अब वैसे देखा जाए सबसे पहले उसे प्रोफेशनल बुचर अजीज को मारना था, लेकिन उसने सबसे पहले मारा अब्रार को। एंड जोया को यहाँ पर इसलिए छोड़ दिया ताकि वो इसके थ्रू जान सके अजीज की लोकेशन, क्योंकि भाई रणविजय अच्छे से जानता है किसको कब और कैसे यूज करना है। रणविजय को पता है कि जोया उसके प्यार में गिर चुकी है और सिंपल वो उसके काम आ सकती है। एंड इसके पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा ही था कि जोया अजीज के पास इस्तांबुल में थी। एंड जोया का इस्तांबुल में होना ये इंडिकेट कर रहा है कि रणविजय को अजीज की लोकेशन पता चल चुकी है। एंड यही पर हमें मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर कि रणविजय के भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है रणविजय ने अपने भाइयों को भी यहाँ भेजा होगा, लेकिन वो यहाँ पर पकड़े गए और अजीज ने उन्हें मार दिया। और अगर संदीप रेड्डी बांगा ने अजीज को रणविजय का बॉडी डबल दिखाया है तो उसको वेस्ट तो नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये रणविजय की फैमिली में एंटर होगा और वहाँ रणविजय बनकर रहेगा, गीतांजलि का यूज करेगा और स्वास्तिक स्टील कंपनी का भी। अब यहाँ रणविजय क्या करेगा वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब वैसे देखा जाए रणविजय की मरने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है, तो भाई ये चीज तो पता ही होगी कि मूवी में एक ब्रह्मचारी को भी दिखाया गया था, जो कि रणविजय की देखकर ये बता रही थी तुम मौत के बहुत करीब हो। एंड शायद ये फोरशैडोइंग हो सकती है कि आगे चल के रणवीर का कैरेक्टर यानी रणविजय मारा जाए। बट मूवी की स्टार्टिंग में
जो हमें ओल्ड एज रणवीर दिखाया गया है, फिर वो कौन है, अजीज या फिर रणविजय? वेल, इसको लेकर तुम्हारे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रणविजय है, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में जब रणविजय वरुण से बहस कर रहा होता है तो वो यहाँ पर बंदर और राजा की कहानी का रेफरेंस देता है, एंड इस सीन में भी। अब देखो यार, मैं भी इस चीज को लेकर क्लियर नहीं हूँ कि ये वाकई में अजीज है या फिर रणविजय। बाकी यार तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, और बाकी यार देखते हैं वांगा साहब ने एनिमल पार्क के लिए क्या सोचा है, कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे इन दो हमशक्लों के बीच, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमें एनिमल पार्क बताएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।